अंदर 2.5 लाख से अधिक शहीद कर्मी है। ऐसी गुंगी बेरी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हमारे मध्य में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आज हमारे मध्य में आए। मित्रों, ये कांग्रेस की सरकार कुछ दिनों की मेहमान है, ये ऐसा आराम की सरकार है, होटलों की सरकार है। राजस्थान का मुखिया अशोक गहलोत ये कहता है कि मेरे उप मुख्यमंत्री को 6 महीने हुए, मैं उनकी शक्ल नहीं देखी। ऐसी दो गुटों में बटी हुई सरकार को आज हम माँ बाप के सामने निवेदन करना चाहते हो, ऐसे कानून को जिस कानून के अंदर सेक्शन 4 के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि राजस्थान के अंदर अगर बाल विवाह होगा तो दोनों लड़का लड़की तो रहेंगे रहेंगे, लेकिन उनके पेरेंट्स जो साक्ष्य वो सारे उसके मुलजिम रहेंगे। इन सब का विरोध करने के बीच में हमारे मध्य युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आए। एक बार पुनः सब कार्यकर्ता बंधु का माहौल में स्वागत और बहुत अभिनंदन करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सतपाल जी। भाई साहब, प्रदेश सरकार द्वारा किए गए झूठे वादों और जुमलों पर प्रकाश डालने के लिए इसी क्रम में मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु सिंह शर्मा एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य साहब का हार्दिक स्वागत अभिनंदन जी सिंह जी सिसोदिया से निवेदन करूंगा कि वे आए। राजस्थान सरकार द्वारा सिर्फ जनता को ही त्रस्त किया जा रहा था, परंतु अब सनातन संस्कृति को भी नाश करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी बात का विरोध के लिए हम लोग इकट्ठे हुए। इसी क्रम में मैं आदरणीय हम सभी के यशस्वी परम आदरणीय रविंद्र आए युवाओं को
महिला मोर्चा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा जी, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य आदरणीय रवि जी, उपाध्यक्ष आदरणीय अंतलाल जिहारी जी, महामंत्री जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी शहर जिला के महामंत्री डॉक्टर किरण जी, आदरणीय नेपाल सिंह जी, तीनों हमारे जिलाध्यक्ष उदयपुर शहर के जिलाध्यक्ष आदरणीय सनी जी पोखरना जी, ग्रामीण के आदरणीय अली सिंह सिसोदिया जी, महासभा के जिलाध्यक्ष जी यहाँ पधारे हुए, विभिन्न मोर्चों के अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी मोर्चा के सभी सम्मानित पदाधिकारी के मंडल अध्यक्ष जी, देहात जिला आदरणीय ऋतु जी अग्रवाल, सम्मानित कार्यकर्ता बंधु और भाई, आज वास्तव में आज हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष युवा मोर्चा के हिमांशु जी शर्मा पधारे हैं, मैं उनका पार्टी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। अभिनंदन इस बात का जिस प्रकार से राजस्थान की विधानसभा के अंदर बाल विवाह को लेकर जिस प्रकार से काला कानून लेकर आए, किस शारदा एक्ट के अंदर बाल विवाह को लेकर जिस प्रकार से कानून बनाया गया, उस कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाने का प्रयास कहीं किया है तो राजस्थान की विधानसभा में किया गया है। बहुत ही शर्मनाक स्थिति राजस्थान के लिए, और आपने देखा होगा सारे देश के जितने हमारे मीडिया है उस मीडिया में भी राजस्थान की जो गहलोत सरकार है और उसने जिस प्रकार से अपनी हठधर्मिता का परिचय दिया, सारे देश की जनता ने उस कानून को लेकर थू-थू किया है। यह इनकी नासमझी की ओर इशारा किया है सारी देश की जनता ने। जिस एक्ट के बारे में बात की जा रही है, हमारे प्रतिपक्ष नेता आदरणीय गुलाब चंद कटारिया और उपनेता राजेंद्र राठौड़ और उनके नेतृत्व में समूचे विपक्ष ने यह मांग की कि मत विभाजन किया जाए, वोटिंग करा दी जाए। आपको आश्चर्य होगा जो संयम लोढ़ा सिरोही से आते हैं, उन्होंने भी इस बाल विवाह जो लेकर आए कानून, इसका इन्होंने जबरदस्त विरोध किया। लेकिन मेरे को लगता है शायद जो वहाँ के अधिकारी सरकार के अंदर बैठे जो अधिकारी बैठे हैं, वह जिस प्रकार का कागज इनके मंत्रियों को देते थे वैसा का वैसा बिना सोचे समझे और पढ़े ऐसा ही वो बिल्कुल वैसा का वैसा पढ़ लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक विधायक ने विधानसभा के अंदर इस बात को उठाया कि ये जनता के साथ अन्याय है, काला कानून है, लेकिन उन्होंने उसको उस पर बात नहीं मानी और वॉकआउट करना पड़ा प्रतिपक्ष को। मित्रों, इसलिए निवेदन करना चाह रहा हूँ, 18 साल से भी कम उम्र की बालिका और 21 साल से भी कम उम्र के जो बालक, उनका अगर इस प्रकार का विवाह होता है और विवाह होने के बाद में आप कहते हैं उसको 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराइए, एक तरफ बाल विवाह गैर कानूनी कार्य है और दूसरी ओर उसी कानून को ध्यान में रखकर आप उसे उसकी वैधता प्रदान कर रहे हैं, उसके ऊपर ठप्पा लगा रहे हैं। नहीं, आप निश्चित रूप से नाबालिग हैं तो भी आप शादी कर सकते हैं, आपने उसको वास्तव में रजिस्ट्रेशन करवाकर जनता के बीच में जो शारदा एक्ट के जो बना था एक्ट उसकी सरेआम धज्जियां उड़ाने का आपने प्रयास किया है। सारे राजस्थान की जनता आपसे सवाल पूछेगी और आज इसी बात को लेकर हमारे बीच में हमारे यशस्वी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जी आए, आपको संदेश देंगे। मैं तो आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूँ, इस काले कानून को वापस लिया जाए और जब तक जिस प्रकार का भी हमको पार्टी की ओर से निर्देश होगा, हम सभी लोग सड़कों पर उतरकर इस काले कानून के विरुद्ध में जिस प्रकार का भी आंदोलन करना पड़ेगा, उस आंदोलन को सफल करने में अपने सबके लोग से हम सभी के प्रयासों को पूर्ण करेंगे। एक बार पुनः प्रदेश से पधारे हुए हमारे सभी कार्यकर्ता बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूँ, युवा मोर्चा पूरी ताकत के साथ इस काले कानून का विरोध करे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
बदल दो, ताज बदल दो, मेहमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, मेहमानों का राज बदल दो। धन्यवाद भाई साहब। राजा राममोहन राय केशव चंद्र जी सेन जैसे समाज सुधारकों ने वर्षों तक प्रयास करके बहुत चुनौती पूरी समाप्त करने का प्रयास किया था। उसी कुरीति को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिना रूप से उसी कुरीति को राजस्थान के मुख्यमंत्री पुनः लागू करने के लिए प्रयत्नशील है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है और हम आपको चेतावनी देना चाहेंगे कि यदि ये काला कानून पुनः वापस नहीं लिया गया तो हम डंके की चोट पर जो भी कार्य करेंगे उसका समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। लोकतंत्र के हत्यारों का गोली मारो सालों को, लोकतंत्र के हत्यारों का गोली मारो सालों को, जय राणा प्रताप के, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप के, जय शिवा सरदार की। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, सरकार युवा मोर्चा का धूम धड़ाका,